नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे वीडियो हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ नया चीज़ जो गाँव में अक्सर लोग बनाते हैं, तो खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप उसको दाल चावल रोटी के साथ परोस सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ वो मौसमी चीज़ें होती हैं, इस मौसम में वो आसानी से मिल जाती हैं। तो दोस्तों, ये मौसमी चीज़ें होने के नाते भी इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं, ये शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं। ये देखिए, बजड़ी है, बजड़ी की लिट्टी जो बनाते हैं और बहुत सारी रेसिपी इसकी भी बनाई जाती है दोस्तों। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हमें इसकी लिट्टी जो बनाते हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज हम बनाने वाले हैं, ये देखिए हम आ गए हैं कद्दू के पेड़ के पास, जहां हमने कोहड़ा लगाया हुआ है वहां आ गए हैं। आपको मैं इसको दिखा देती हूं कोहड़े को पास से आपको। तो ये देखिए, इसमें फूल भी हैं, फल भी हैं और इसके तने किस तरह से निकले हुए हैं। ये देखिए, ये इसमें अभी फर नहीं लग रहे हैं, ये ख़राब हो जा रहे हैं। तो इसकी आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, यानी साग। तो आज हम इसकी फुनगी का साग बनाएंगे, यानी इसके तने का। और इसके तने में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं और ये खाने में बहुत ही नरम और मुलायम होता है, तो बहुत ही बढ़िया इसका साग आता है। तो ये देखिए कितना हरा भरा यहाँ पे कद्दू लगाया गया, बहुत ही बढ़िया ये हुआ है। और इसके जो हम तने काट रहे हैं इससे इसमें और भी इसके तने निकल करके तैयार हो जाते हैं, इसलिए हम इसको काट लेते हैं। तो जगह जगह पर इसकी फुनगी है तो इसको हम देख करके काट लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे कोहड़े का फूल भी कितना बढ़िया से तैयार हो रहा है, अब ये फरने लगा है जगह जगह। तो इसमें जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो फुनगी तैयार हो रहा है वो हम काटेंगे। तो यहाँ पे लौकी वाला भी जो एक्स्ट्रा पेड़ है उसमें से भी हम उसकी फुनगी को काट लेते हैं। दोनों ही हम यहाँ पे ले लेंगे, इसका मिक्स सब्जी हम बनाएंगे। तो जरूरत के हिसाब से हमने यहाँ पे साग को ले लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ और बनाएंगे रेसिपी। तो ये देखिए, हम लेकर के फुनगी को घर आ गए हैं। तो इसमें जो ये रसे रेसे सा निकला हुआ है इसको हम तोड़ लेंगे, ये देखिए किनारे पे जो है इसके, और इसमें से जो रेसा निकलता है ये देखिए इस तरह से हम निकालेंगे पकड़ करके। तो रेसा रहेगा ज़्यादा, जो कड़ा वाला भाग रहता है उसमें से हम निकाल लेंगे रेसे को। रेसा निकाल लेने से क्या हुआ कि आपकी सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसी तरह से हम सारे कोहड़े के जो फुनगी हैं उसमें से रेसे निकाल लेंगे और जो उसमें से तने निकले हुए हैं छोटे छोटे उसको हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने फुनगी को बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया है, अब इसको हम धो लेते हैं। तो इसको हम 4-5 पानी से अच्छे से धोएंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा लगी रहती है बरसात का मौसम है दोस्तों। तो साग को आप बहुत ही अच्छे से धो कर के साफ करिएगा। तो यहाँ पे हमने कोहड़े की फुनगी को 4-5 पानी से अच्छे से धोकर के साफ किया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लेंगे, इस तरह से इकट्ठा करेंगे और पंसू से इसको इस तरह से काट लेंगे दो भाग में। फिर इसको हम बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे, एकदम महीन सा हमें काटना है। आप चाहे चक्कू से काट लीजिए, किसी भी तरह से आप जिस तरह से काटते हो वैसे काट लीजिएगा। तो आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसी तरह से हमें इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। जब बारीक बारीक काटेंगे तो इसका जो साग बन करके तैयार होता है ना, देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप पास से भी देख पाते होंगे कि मैंने कितना बारीक इसको काटा है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको बिल्कुल बारीक और महीन इसको काटना है। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च ले रखी है, तो तीखा आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। लहसुन ले रखा है, दो प्याज ले रखे हैं, तो प्याज इसमें ज़रूरी है, थोड़े से बड़े बड़े प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो इसको इस तरह से काट लेंगे, ये लंबा लंबा, हमें इसको बारीक बिल्कुल नहीं काटना है, लंबा लंबा काटेंगे तो सब्जी देखने में भी सुंदर लगेगी और आपको टेस्ट भी इसका अलग खाने में लगेगा। तो यहाँ हमने दो ही प्याज ले रखे हैं, आप चाहें तो प्याज की मात्रा इसमें बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, आग को भी जला लिया है। इसमें डालेंगे सरसों का तेल, तो ये सब्जी सरसों के तेल में ही बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ तेल को हम गरम कर लेंगे। तो तेल यहाँ गरम हो चुका है, इसमें डाल देते हैं लहसुन और मिर्च, इसको बहुत अच्छे से हम भूनेंगे सुनहला होने तक। तो यहाँ लहसुन को जितने अच्छे से भूनेंगे तो साग में इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यदि आप लहसुन खाते हो तो लहसुन डालिएगा, नहीं खाते हो तो नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लहसुन को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो प्याज को भी हम बहुत अच्छे से भूनेंगे।
तो यहाँ प्याज डाल करके अच्छे से चलाते हुए इसे हम भून लेते हैं। तो ये देखिए प्याज को भी हमने भून लिया है, तो इसको इतना ज़्यादा नहीं भूनना है कि एकदम सुनहला कर दें, बस प्याज को आपको हल्का सा पका लेना है। इसके बाद हम इसमें साग डाल देंगे। ये देखिए पूरा साग हम इसमें डाल देते हैं। तो साग को डाल लेने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिलाएंगे। सारी चीज़ें यानी जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, सारी चीज़ें हम इसमें साग में अच्छे से ऊपर नीचे मिला देंगे इसमें। तो ये साग बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, तो इसमें हम अभी से नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। आपको यदि समझ में ना आए तो हल्का नमक डालिएगा। तो इस तरह से नमक को डाल करके हम मिला देंगे बहुत अच्छे से। तो साग को मिला लेने के बाद इसको हम ढक देते हैं और पकने देंगे धीमी धीमी आंच पे। तो यहाँ पे साग को हमने एक दो मिनट के लिए पका लिया है। आप देख सकते हैं साग बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से मिला देते हैं। तो यहाँ साग को थोड़ा उलट पलट देंगे और इस तरह से हम फैला देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए दोस्तों साग यहाँ पे हमारा एकदम बन करके तैयार हो चुका है, एकदम बढ़िया से पक चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए एकदम लाजवाब सी सब्जी इसकी बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी ये बन करके तैयार होती है दोस्तों। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कद्दू के ये जो फुनगी होते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो हमारी ये रेसिपी एकदम बन करके तैयार हो चुकी है, विटामिन से भरपूर है दोस्तों। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।